गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फर्स्ट क्लास का लर्न करके आए हैं। अब एक और अभी अब थोड़ा लर्न होगा बेटा, अब तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये वो थोड़ा है कि जो हम एग्जाम से एक दिन पहले मैथ्स और अकाउंट्स रिवाइज करते रहे ट्वेल्थ में, ऐसे 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 वो तो हो गया। चलिए जी, प्लीज 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 दो। अच्छा, किसकी आज फर्स्ट क्लास है? लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट नहीं था, लास्ट क्लास में जो स्टूडेंट नहीं था इनकी सेकंड क्लास है, इनको फिर भी कुछ नहीं आता, ठीक है? टेंशन नहीं, ओके, ये आप जैसे ही बराबर है। चलिए 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 चलिए, प्लीज प्लीज, हर क्लास में दो तीन मिनट का वार्म अप टेस्ट होगा, जो लास्ट क्लास में करवाया मैं समझा पाया नहीं समझा पाया, फिर आज का सेशन स्टार्ट होगा। हर बार ऐसे होगा, स्टार्ट करते हैं। अब कोई नोटबुक में नहीं देखेगा, सेशन स्टार्ट नाउ। रैपिड फायर राउंड बिटवीन यू एंड मी। फादर ऑफ मैक्रो, मैक्रो डक पे आउट, शाबाश, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जेएम केन्स। फादर ऑफ मैक्रो जेएम केन्स, इन विच ईयर? 929। थैंक यू। माइक्रो एडम, माइक्रो एडम, इकोनॉमिक्स एडम, नो ईयर। डिमांड सप्लाई मार्केट, एल्फा मार्शल से दो मिनट होते हैं, जल्दी करना। क्वालिटी क्वांटिटी, डिमांड सप्लाई मार्केट, एल्फा मार्शल, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। अच्छा, वो कौन सी कमोडिटी थी विच आर परचेस्ड एंड यूज्ड ऑलवेज इन पेयर? Those commodities which are purchased and used always in pair, perfect complementary, complementary, perfect complementary. Okay, next. Those goods which can be used in place of each other, substitute. Those goods which can be used in place of each other, substitute. Pepsi, Coke, Daikin AC, Voltas AC. Next. ED ke types. प्राइस क्रॉस, सुन के रट्टा नहीं, प्राइस क्रॉस एड, एक रह गया इनकम, ओके, प्राइस इनकम क्रॉस एड, ओके। नेक्स्ट, कल ओवरव्यू दिया था, कल ओवरव्यू दिया था, पोस्ट ग्रेजुएशन में डिटेल है इनकम क्रॉस एड। हमारे कोर्स में सिर्फ मेथड है प्राइस सीडी के, किसके बेटा? प्राइस सीडी के मेथड्स हैं अभी सीएमए। परसेंटेज प्रोपोर्शनेट, अब आपकी टर्न नहीं है, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मैथमेटिकल फ्लक्स। फर्स्ट मेथड परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मैथमेटिकल फ्लक्स, सेकंड ज्योमेट्रिक ग्राफिक पॉइंट स्ट्रेट लाइन लीनियर। सचिन सर की टर्न, आई रिपीट, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मैथमेटिकल फ्लक्स, फ्लक्स इकोनॉमिस्ट, सेकंड ज्योमेट्रिक ग्राफिक पॉइंट स्ट्रेट लाइन लीनियर, नो इकोनॉमिस्ट। थर्ड, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग, रेवेन्यू, मार्शल। आई रिपीट, एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग आउटले रेवेन्यू मार्शल, मार्शल इकोनॉमिस्ट। लास्ट, आर्क, आर्क मिड पॉइंट एवरेज, आर्क मिड पॉइंट एवरेज, नो इकोनॉमिस्ट। सुनिए जी, अब कभी भी किसी पर्सन से नहीं पूछेंगे, अब सुन लेना, किसी और किसी भी थ्योरी का, किसी फॉर्मूले का इकोनॉमिस्ट नहीं है तो क्या वो आसमान से आया है? अब सुनिए, रियल लाइफ में क्या रूल होता है, और ये इकोनॉमिक्स हर जगह एप्लीकेबल होता है, मैथ अकाउंट्स हर जगह। सुनिए, कोई थ्योरी एक इकोनॉमिस्ट ने प्रपोज करी उसका नेम आएगा, दो ने प्रपोज करी नेम आएगा, तीन ने, चार ने, पांच ने, पांच से ज्यादा साइलेंट। आई रिपीट, आपने थ्योरी या फॉर्मूला प्रपोज, आपका नेम आएगा बेटा, आप दोनों ने मिलकर, दोनों का नेम, तीनों, चार, पांच, मोर देन फाइव, साइलेंट छोड़ते हैं। इट्स अ रूल, यूनिवर्सल रूल है बेटा, ठीक है जी? नोटिंग नहीं,
आर्क मेथड, आर्क मेथड ऑफ प्राइस ईडी, आर्क मेथड ऑफ प्राइस ईडी। दो फॉर्मूले हैं, एक मल्टीप्लाई वाला, एक डिवाइड वाला, सेम आंसर आएगा। एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड, सेम आंसर आएगा। हम लोग लर्न करेंगे स्मार्ट तरीके से। नोटिंग बनाए 20 मिनट के बाद। Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2। हाफ याद हो गया फॉर्मूला। अब ये Q1 Q2 क्या है? लेट मी स्पीक, लर्न कर, लुक एट मी। Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2। आई रिपीट, Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2। माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू। Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू। अब हमें ये फर्स्ट फॉर्मूला, एक अल्टरनेट फॉर्मूला है, हमें मैथ्स का रूल पता है, मैथ्स का रूल पता है, अगर ये डिवाइड हो जाए तो राइट हैंड साइड के साइन रेसिप्रोकल होते हैं। मल्टीप्लाई अगर डिवाइड हो जाए लेफ्ट के नहीं राइट हैंड के साइन रेसिप्रोकल होते हैं। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, आंसर सेम ही आता है। मल्टीप्लाई वाले से डिवीजन से सेम आंसर आता है। अब क्वेश्चन, सर एक बात बताओ, जब आप कह रहे हो आराम से समझना, मल्टीप्लाई वाले से डिवीजन सेम आंसर आता है, हमें दोनों दोनों क्यों करवा रहे हो कंफ्यूज करने के लिए? सुनो, जब आप कह रहे हो मल्टीप्लाई वाले से डिवीजन सेम आंसर आता है, भाई दो दो मत करवा, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। प्यारे शतानों, आपके क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी आता है, चार फॉर्मूले गिवन है, आइडेंटिफाई द राइट फॉर्मूला। आपके क्वेश्चन पेपर में चार फॉर्मूले गिवन है, मैथ्स में, स्टैट्स में, इको में, आइडेंटिफाई द राइट फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे शतान उस समय ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई वाला ठीक है, डिवीजन वाला या बोथ, नहीं देख लियो ना, जो भी एबीसीडी में होगा, मल्टीप्लाई वाला ठीक है या डिवीजन वाला या बोथ। अभी नहीं, मैं भूल जाऊंगा, आप याद करवाना सेशन के एंड में। सुनना, सेशन के एंड में एक मेरे से ना आधे घंटे की क्लास लेना, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। मैं भूल जाऊंगा, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, उसमें कुछ नहीं 20-30 बातें बताऊंगा, उस बात को भी जोड़ रहा हूं। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर में ये नहीं कि मैं क्वेश्चन पेपर लेकर, बेटा कल यही आएगा, उसमें 20-30 बातें बताऊंगा, उसमें से एक बात यह है। सुनना सर, सुनना, आपके जो ऑब्जेक्टिव पेपर है इको एंड मैथ्स, अगर आपको ऑप्शन ठीक मिल गया ए या बी, हम्बल रिक्वेस्ट है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, देन मार्क करना है। ओ ये सर ने बताया था, हरीश सर ने, सचिन सर ने, यही रहा बी, नो, वेट, सी डी रीड कर, हो सकता है ऑप्शन हो बोथ, ऑप्शन हो ऑल ऑफ अबव। ऑब्जेक्टिव पेपर में चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, देन मार्क करना है, रिक्वेस्ट है, टेस्ट में भी, फाइनल पेपर में भी। Q1, यहां पे प्रिंट हुआ है फॉर्मूला, Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, रिपीट, Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू। अगर इनटू डिवाइड हो तो राइट के साइन चेंज, लेफ्ट के चेंज, राइट, फटाफट सचिन सर बन गए। अगर मल्टीप्लाई डिवीजन हो जाए तो जो साइन चेंज होंगे रेसिप्रोकल होंगे, राइट के लेफ्ट के, राइट के। मल्टीप्लाई वाला भी ठीक है, डिवाइड वाला ठीक है, वो अल्टरनेट फॉर्मूला हो गया। जब बोलूंगा तो बिना देखे लिखना फॉर्मूला, प्राइस डिमांड,
प्राइस डिमांड, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम होता है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? इलेवेंथ कुछ नहीं आता, इट्स नॉर्मल बिहेवियर। अगर कोई चीज महंगी डिमांड कम, चीप डिमांड ज्यादा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ ऑफ डिमांड या प्राइस इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमांड या प्राइस इफेक्ट, वही मार्शल है। अब कहीं बुक बुक के एग्जाम्पल नहीं, रियल लाइफ के एग्जाम्पल, अग्री डिसअग्री करना। लॉ ऑफ डिमांड, जब ये अनियन महंगा होता है, अनियन महंगा हो गया 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, तो क्या फास्ट फूड वाला डालता है? बोलो बोलो मेरे प्यारे शतानों, 100 रुपए किलो हो गया अनियन प्याज, तो ये छोले भटूरे वाले सरदार जी, मलाई चाप वाले देंगे? नहीं। अनियन महंगा, डिमांड कम, जो चीज सस्ती वो ले बेटा, मूली गाजर अंकल एक और ले बेटा, अनियन जैसे उसकी किडनी मांग ली हो। अब वो क्या होता है बेटा? वो प्याज, ओ नहीं पुत्र 200 रुपए किलो लगा तेने प्याज देना मैं, तो ये लॉ डिमांड तो है। 5 करोड़ की कार, 10 करोड़ की कार महंगी, क्या इंडियन रोड्स में ज्यादा दिखती है? जल्दी बोलो, 5 CR की कार, 10 CR की कार महंगी, क्या इंडियन रोड्स में ज्यादा है? आपके मेरे बजट में आती यूजली 20 लाख की कार, 10 लाख की कार, वो ज्यादा है। महंगी कार कम, आपके मेरे बजट में ज्यादा। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस 10-20, डिमांड कम। पहला प्राइस P1, फिर P2, Q1, Q2, ये होता है P1, P2, Q1, Q2, होंगे दो प्राइस दो डिमांड। फर्स्ट प्राइस P1, सेकंड P2, फर्स्ट डिमांड Q1, सेकंड Q2। प्राइस ईडी, आंख एवरेज मिड पॉइंट मेथड, आपके पास आधा मिनट है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला फॉर्म लिखेंगे जल्दी जल्दी, अगर लर्न हो गया तो, नहीं तो मेरा फेलियर। जल्दी सारा नाम लिखेंगे, आर्क मिड पॉइंट एवरेज मल्टीप्लाई डिवाइड वाला फॉर्मूला, मैं भूल जाऊं तेरे को आता है, जल्दी बेटा मुंह नहीं चलेगा हाथ चलेगा। बातें हो रही है अभी, लिखने के बाद मैच कर लेंगे, कॉपी नहीं मैच। जल्दी मैच करेंगे, ठीक है जी? आप और मैं ठीक है? टाइम अप, खुद करेंगे, मुझे नहीं आता। जल्दी वैल्यूबुड करेंगे, Q1, Q2, P1, P2, value put, answer. कोई बोलेगा नहीं, डेसिमल में निकालना है, फ्रैक्शन में नहीं।
मैच कर लेंगे। सचिन सर ठीक है, 1/3 माइनस 0.33, सिंपल मैथ बेटा। कैलसी जल्दी बेटा जल्दी, जो 20 मेरे को देखना, वो जो 20 बातें बताई है, एक बात तो हो गई कि चार ऑप्शन पढ़ने हैं देन मार्क करना है बेटा। सेकंड, ट्वेल्थ के बाद हर पेपर में कैलसी अलाउड है, पूछना मत। ट्वेल्थ के बाद हर पेपर में कैलसी अलाउड है, लेकिन 12 डिजिट तक का 14-16 टीचर उठा लेगा। इसमें टैक्स का बटन है, टैक्स का बटन, अभी मत लिखियो, दोबारा बताऊंगा, अब तो बात से बात निकली है। कैलकुलेटर अलाउड होता है बीकॉम में, आपके सीए में, बाकी एग्जाम में 12 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 12 14-16 अलाउड नहीं होता, जिसमें टैक्स का बटन होता है, टैक्स लिखा होता है। अलाउड नहीं होता साइंटिफिक, जिसमें साइन थीटा कोसेक थीटा होता है। अलाउड नहीं होता 12 डिजिट 14-16 जिसमें टैक्स का बटन है, नो। साइंटिफिक कोसेक थीटा साइन थीटा, नो। डिजिटल डायरी जिसमें फोन नंबर एड्रेस स्टोर होते हैं, सिंपल कैलसी अलाउड है 12 डिजिट तक का। बातें नहीं बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड स्टॉप 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 स्टॉप। आइए जी, सचिन सर की पहली ट्रिक सेशन की। हमारी कल बात हुई थी, ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट डायरेक्ट इनवर्स इनवर्स। कल बात हुई थी जब दोनों बढ़े डायरेक्ट, देख सेम डायरेक्शन, सेम सेम डायरेक्ट इनवर्स है ना बेटा, ये क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट इनवर्स इनवर्स। और मैंने ये भी बताया था कभी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप अपवर्ड ग्राफ इनवर्स डाउनवर्ड ग्राफ, प्रूव करूंगा। डायरेक्ट अपवर्ड, डायरेक्ट अपवर्ड, इनवर्स डाउनवर्ड, इनवर्स डाउनवर्ड। चलिए जी, एक्सपर्ट बनाता हूं, कॉमन नहीं करेंगे ट्रिक। कौन सा मेथड, एक्सपेंडिचर, याद कर। इससे बड़ी जल्दी हो जाएगा, चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरी आए, सचिन सर की ट्रिक याद करेंगे। डायरेक्ट लेस, डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। अभी समझ नहीं आएगा, याद कर। डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर ना बढ़ा ना घटा कांस्टेंट, 100 100 500 500 ED1। तीसरी बार आपकी बात, आधी बात में आधी बात तू, फिर गेम खेलेंगे। डायरेक्ट आधी बात में आधी बात आप, डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। डायरेक्ट लेस, डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। नोटिंग मना है, नोटिंग मना है। सचिन सर की ट्रिक, डायरेक्ट लेस, आवाज बंद, इनवर्स मोर, दिल मांगे मोर पेप्सी, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। आइए जी, इसके साथ खेलते हैं। क्वेश्चन पेपर में प्राइस, ध्यान स्क्रीन पे, क्वेश्चन पेपर में प्राइस और डिमांड गिवन होगा, प्राइस डिमांड गिवन, प्राइस डिमांड गिवन। ओके सचिन सर, हाइपोथेटिकली 10 20 10 20 10 20, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ गया डिमांड कम होगी, लॉ ऑफ डिमांड।
प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस ज्यादा डिमांड कम। सो तीन अलग पॉसिबिलिटीज है डिजिट्स की। एक मैं नेक्स्ट आप करेंगे, क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा प्राइस एंड डिमांड। क्या गिवन होगा? प्राइस एंड डिमांड। सिंस द नेम ऑफ मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, हमें एक्सपेंडिचर निकालना है। मेथड का नेम है एक्सपेंडिचर मेथड। क्या नेम है? एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग, खर्चा। गिवन होगा प्राइस, ओके सचिन सर। गिवन होगा डिमांड, ओके सचिन सर। सिंस द नेम ऑफ द मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, विच मेथड? एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग, आउटले, तीनों सिनोनिम है खर्चा। हमें निकालना है एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू डिमांड, प्राइस इंटू डिमांड। दिखता रहियो, मैथ से रिकवाती मेरे को नहीं आती। प्राइस इंटू डिमांड, एक्सपेंडिचर निकालना मजबूरी है। नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। 10 इंटू 100 1000, 20 इंटू 80 1600। डिमांड का रोल खत्म। 10 इंटू 100 1000, 20 इंटू 20 400। डिमांड का रोल खत्म। 10 इंटू 60 600, 20 इंटू 30 600। डिमांड का रोल खत्म। आपकी टर्न। 10 से 20 हो गया, मेरे को जवाब मेरी भाषा में 10 से 20 हो गया, ये राइज अप फॉल है। सोच के बोल, मैंने कौन सा तेरे फोन का पासवर्ड पूछ लिया? चुप हो गया। 10 से 20 हो गया, राइज फॉल, राइज। 1000 से 16 हो गया, राइज फॉल, राइज। 10 से 20 राइज, 1000 से 16 राइज, 10 से 20 राइज, 1000 से 4 फॉल, 10 से 20 राइज, 6 कांस्टेंट। जल्दी कोई नहीं करेगा, बेस तैयार हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट गेम खुद खेलनी है। ध्यान स्क्रीन पे, मेरी तरफ ध्यान नहीं। 10 से 20 राइज, 1000 से 16 राइज, 10 से 20 राइज, 1000 से 400 फॉल, 10 से 20 राइज, 6 कांस्टेंट। चलिए एरो को देख के बताइए, डायरेक्ट इनवर्स है? अब आपकी तरफ आ गई फुटबॉल, एरो को देख के बताएंगे डायरेक्ट है इनवर्स है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। और सचिन सर ने डायरेक्ट की ट्रिक क्या बताई थी? जल्दी बोल, डायरेक्ट। ठीक, सचिन सर ने डायरेक्ट की ट्रिक क्या बताई थी? लेस देन वन, लेस देन वन, डायरेक्ट लेस देन वन। कौन सा रिलेशन है? कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। इनवर्स की ट्रिक क्या थी? इनवर्स की ट्रिक मोर। इनवर्स की ट्रिक बताई सचिन सर ने, मोर देन वन। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ईडी वन। डायरेक्ट तो लेस देन वन, ये थी ट्रिक। डायरेक्ट लेस देन वन, इनवर्स मोर देन वन, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ईडी वन। नोटिंग नहीं, नोटिंग नहीं। पेपर में जल्दी करना, पेपर में प्राइस डिमांड गिवन है, क्या निकालना होगा? जल्दी करो भाई, जल्दी करो। एक मिनट, ओए बोलने की जल्दी, लिखने की नहीं। काम डाउन, काम डाउन। प्राइस और डिमांड गिवन होगा, क्या निकालना है? जल्दी गाइड कर रहे हैं मुझे। प्राइस डिमांड गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, क्या निकालना होगा? एक्सपेंडिचर।
14,000, 600. हम लोग ग्रुप में भी इंडिविजुअल पढ़ते हैं, 600, 600, 20 से 10 फॉल, 14 से 1000 फॉल, 10, 20 फॉल, 6 से 1000 राइज, 10, 20 फॉल, 6, 6, कौन सा रिलेशन है? हाँ जी, डायरेक्ट की ट्रिक, यस, डायरेक्ट, डायरेक्ट की ट्रिक, लेस देन वन, इनवर्स मोर देन वन, डायरेक्ट लेस देन वन, इनवर्स मोर देन वन, कॉन्स्टेंट वन, क्लियर हो गया? पक्का? चलो जी, लिखेंगे बेटा, अब लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, जल्दी टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग, एक का एक्सपेंडिचर, दूसरी पार्टी का रेवेन्यू इनकम, एक्सपेंडिचर आउटले स्पेंडिंग रेवेन्यू फास्ट। और कल बताया था अंकल का नाम अल्फ्रेड मार्शल, जल्दी पुत्र, ट्रिक लिख लो, मेरे को नहीं आती, ट्रिक लिख लो, ट्रिक को बॉक्स में कवर करना, दूर से दिखाई दे, नहीं मुझे, मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा, मुझे आती नहीं ना, भूल गया, गजनी वाली प्रॉब्लम हो गई, ट्रिक डन, खुद करेंगे, जल्दी बेटा खुद करेंगे, मैं भूल चुका हूं, इन द प्रॉपर वे जैसे समझाया, पहले दोनों क्वेश्चन लिख लो, करते रहना, दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, करते रहना, थैंक यू बेटा, ठीक करा मैंने, स्पीड स्लो है बेटा, यस बेटा, 10 बेटा, P1 P2 Q1 Q2 दैट इज आर्क मेथड, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है बेटा, जो आप कह रहे हैं P1 P2 Q1 Q2 वो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड आर्क मेथड है, चारों मेथड से आंसर्स वेरी करेंगे, प्राइस सीडी के चार मेथड होते हैं, आंसर वेरी करेंगे स्लाइटली, डन।
थर्ड पॉसिबिलिटी भी कर रहा हूं, जल्दी बेटा, थर्ड पॉसिबिलिटी। डन। आइए जी, ईडी के दो मेथड हो गए चार में से, और मैं आ गया भूल। लुक एट मी, आर्क मेथड। पहले एक जल्दी कर रहा, पहले दो समझाओगे फिर अगले दो करेंगे। Q1, Q2, P1, P2 में से सबसे पहले फॉर्मूले में क्या पुट करता है? Q1, Q2, P1, P2 है जी, Q1, उसके बाद सचिन सर स्टूडेंट टीचर डे, Q1, Q2, P1, P2, माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू, सबका ध्यान है, रिपीट, Q1, Q2, P1, P2, माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू, डिवाइड, राइट का साइन चेंज। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर आउटले स्पेंडिंग रेवेन्यू की ट्रिक, एक्सपेंडिचर आउटले स्पेंडिंग रेवेन्यू की ट्रिक, रट्टा नहीं, इनवर्स मोर। हां, ये नहीं पहले डायरेक्ट बोलता है फिर इनवर्स बोलता है फिर कांस्टेंट बोलता है, क्यों नहीं? हम भी यही पहले वो बोलता है फिर वो बोलता है फिर वो बोलता है, और तुम शैतान में महाशैतान बताइए। चलो, डायरेक्ट लेस, डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्स पूरा मत बोलना, मुझे पता मोर के आगे क्या होगा, पूरा मत बोल, डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट ED1, डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट ED1। ये जो ये डायरेक्ट देखना है, डायरेक्ट देखना है, इनवर्स देखना है, प्राइस डिमांड में, प्राइस एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर डिमांड में। भाई ऑब्जेक्टिव पेपर है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन दे रहा है, वो जो हम तो तैयारी कर रहे हैं, ये जो हम डायरेक्ट देख रहे हैं, इनवर्स देख रहे हैं, किस किस में? प्राइस डिमांड में, डिमांड एक्सपेंडिचर में, प्राइस एक्सपेंडिचर में, प्राइस एक्सपेंडिचर में, प्राइस एक्सपेंडिचर। अगर डायरेक्ट होएगा तो लेस, इनवर्स होगा मोर, एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट ED1। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। थैंक यू। ये दोनों टिप्स पे हो गए, ऑनेस्ट रिप्लाई, Q1 वाला yes, और ये ट्रिक वाला टिप्स पे हो गए। yes, चलूं थर्ड पे, yes, रुक जाएंगे बेटा, स्टॉप, ज्योमेट्रिक, स्टॉप। प्यारे शतानों, ये जो ज्योमेट्रिक मेथड करवा रहा हूं, ये मेथड एक बार दोबारा आएगा मार्केट चैप्टर में। आपने एक अच्छा काम करना, जो मैं बोलता ना कि ये दोबारा कहां आएगा, साइड में लिख लिया कर बेटा, और अगर ना आए तो पकड़, भाई तू झूठा एक नंबर का, तूने बोलता है 15 दिन पहले। प्लीज, ये जो मैं मेथड करवा रहा हूं अभी, डिमांड में भी है मेरे बेटा, ये इससे एसोसिएटेड, इससे रिलेटेड एक और आएगा मेरा बच्चा, किसमें? मार्केट में। और अभी जब लिखेगा तो लिख लियो, दिस वुड ऑल्सो कम इन मार्केट। सुनिए, ज्योमेट्रिक मेथड नोटिंग बनाए, थोड़ा सा लॉजिकल है, स्पीड स्लो। इस मेथड में डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। हाँ, दो बच्चों, छोटी सी कहानी, एक बच्चा पटेलनगर पढ़ रहा है, एक द्वारका, आप जैसे समझदार, एक बच्चा पढ़ रहा पटेलनगर, एक बच्चा पढ़ रहा द्वारका, तो वो कहते हैं जी
मेरा ज्यादा अच्छा इकोनॉमिक्स वाला, वो कहता है मेरा ज्यादा अच्छा है, सच बात है, तो पता नहीं सेम ही है गंदे वाले टीचर। और इतने महान बच्चे आके मुझे बता भी रहे हैं, मुझे कैसे बता, वो कहते भाई मेरे ज्यादा ठीक, कह रहा मेरे ज्यादा ठीक। अब कैसे उन्होंने मेरी आइडेंटिफिकेशन दी, कहते हमारे सर ना घूम घूम के पढ़ाते हैं, कहते हमारा भी घूम घूम के पढ़ाता है। ओ भाई साहब, क्वालिटी वन मैच। सुन मैं खुद, वो कहते सर हमारा घूम, वो कह रहा हमारा भी घूम घूम, क्वालिटी नंबर वन मैच। दूजी कह रहा अब तू चुप मैं बताता हूं, कहते हमारे सर ना हर बात में एक्शन करते हैं, कहता साडा भी करता है। ओ तेरी ते, क्वालिटी नंबर टू मैच। सुकन ओ की गिरिया, सुन क्वालिटी टू मैच। थर्ड कहता हमारे सर ना माइक में भी तेज बोलते हैं, वो कहते हैं चलो तीसरी मैच। चौथी क्वालिटी कह रहा हमारे वाले सर, वो कह रहा हमारे भी, चलो जी चार मैच। फिर एक बेचारी ने डर डर के चुप है, फोन निकाला फोटो खींची, कहते हमारे वाले तो, कह रहा हमारा तो यही है। तू पहले फोटो खींच लेती है, तू ऐसे ही मेरे चार क्वालिटी अभी पूरे वर्ल्ड को बता दी। यहां पे ग्राफ की शेप होती है डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड दिख रहा है, डाउनवर्ड भी है स्ट्रेट लाइन भी है, डाउनवर्ड भी है स्ट्रेट लाइन भी है। इसको डिवाइड करेंगे फोर इक्वल पार्ट्स, पार्ट्स नहीं इक्वल पार्ट्स। मैं देखो तभी मैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहा हूं, पता नहीं हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर कहां से क्वेश्चन डिराइव हो जाए। जरा शेप बताना कैसी है इसकी, डाउनवर्ड सर बोलना होता सर, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, वॉल्यूम कम लेकिन सबकी पार्टिसिपेशन। कैसी शेप होती है, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ को डिवाइड करते हैं फोर इक्वल पार्ट्स, पार्ट्स नहीं बेटा फोर इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे सेगमेंट का हाफ करा, फिर इस पार्ट का हाफ, इस पार्ट का हाफ, एक दो तीन चार इक्वल, इस पूरे का हाफ, फिर इतने का हाफ, फिर इतने का हाफ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लोअर सेगमेंट, सेगमेंट पार्ट अपॉन अपर सेगमेंट, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लोअर सेगमेंट, सेगमेंट मींस पार्ट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ओके शेप का नाम डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फोर इक्वल पार्ट्स, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, जहां पे दिक्कत पूछ लेना कितने में डिवाइड करेंगे बेटा, फोर इक्वल पार्ट्स, फोर इक्वल पार्ट्स, हाफ इसका हाफ, इसका हाफ, ए बी सी डी कुछ भी नाम होंगे पता नहीं, और फॉर्मूला लगाएंगे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अटेंटिव, लॉजिकल पार्ट्स आ गया, लॉजिकल पार्ट लोअर अपॉन अपर। स्क्रीन पर ध्यान, ए टू टाइम्स में, थर्ड टाइम आप ए बी सी डी पे लगाना है फॉर्मूला लोअर अपॉन अपर। थैंक यू, सारे बच्चे अटेंटिव हैं, ए बी सी डी ई पे लगाना है लोअर अपॉन अपर। ए का लोअर पार्ट है ए ई, ए आपने जो लोअर और अपर देखना है उससे बिल्कुल नीचे तक, बिल्कुल ऊपर तक। ध्यान वाइट स्क्रीन पे, ए का लोअर पार्ट है ए ई, अपर जीरो, ए के ऊपर कुछ है नहीं। बी का लोअर पार्ट है बी ई, अपर बी ए, सी का लोअर पार्ट सी ई, अपर सी ए, डी का लोअर पार्ट डी ई, अपर डी ए, ई का लोअर कुछ है नहीं जीरो, अपर ई ए। सेकेंड लास्ट टाइम मेरा, थर्ड आपका, कोई रिप्लाई नहीं आएगा आपकी तरफ से। ए का लोअर ए ई, अपर जीरो,
बी का लोअर बीई, अपर बीए, सी का लोअर सीई, अपर सीए, डी का लोअर डीई, अपर डीए, ई का लोअर कुछ नहीं है जीरो, अपर ईए। लोअर अपॉन अपर, अटेंटिव, ए का लोअर, थर्ड टाइम आपकी है, आप बताएंगे मैं लिखूंगा, ए का लोअर ए ई, ए का अपर जीरो, बी का लोअर बी ई, बी का अपर बी ए, सी का लोअर सीई, सी का अपर सी ए, डी का लोअर डीई, डी का अपर डीए, ई का लोअर जीरो, ई का अपर ई ए, ए का लोअर अपर, बी का लोअर अपर, सी का लोअर अपर, डी का लोअर अपर, ई का लोअर अपर। आपके पेपर वैल्यू कुछ भी हो सकती है, टू टू टू, फाइव फाइव फाइव, कुछ भी हो सकती है, पता नहीं, होगी इक्वल। कौन सी बॉर्डर है, देखना देखना देखना, नहीं सर, और अभी ट्रिक आएगी, थैंक यू जो बोलना, बहुत टाइम सेविंग है जो ये बाकी बाकी बच्चे लगाएंगे तीन से चार पांच मिनट और आप लोग कर लेंगे दस सेकंड के अंदर। यस, रुक अभी रुक जाइए, और कोई जादू नहीं है, मैथमेटिकल ट्रिक है, वेट एंड वॉच, ध्यान व्हाइट स्क्रीन पर ही है प्यारे बेटा। ए बी टू, बी ए फोर, सी ए सिक्स, डी ए एट, ए बी टू, सी ए फोर, ए डी सिक्स, ए एट, बस ऐड तो करना है। जरा मुझे वैल्यूज बताना सेगमेंट की, स्टेप बाय स्टेप, पांच की जगह दस मिनट लगा लो, दो तीन क्लास फालतू हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी, ए बी फाइव, सी ए टेन, ए डी फिफ्टीन, ए ट्वेंटी, ए बी फाइव, ए सी टेन, ए डी फिफ्टीन, ए ट्वेंटी। बातें नहीं बचा, बस सर आप कोई वैल्यू बताइए, वो बताना जो बिना कैलसीज, बिना कैलकुलेटर के हो सके। सेवन, इसने बोला सेवन, अगर आप डेसिमल में ले लेंगे पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू, निकल तभी जाएगा क्योंकि अभी मेरे पास कैलसी नहीं है। यू टोल्ड सेवन, सेवन 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 सेवन, देखते रहना, मुझे बच्चे बताएंगे ए की वैल्यू, ए सेवन 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 ट्वेंटी एट, बीई वो देख ले, बीई बीई बी सी डी ट्वेंटी वन, बीए बीए पक्का सेवन, सी सी फोर्टीन, C
सीए 14, सीए 14, डी डी 7, मैथ्स आपको आती थी, डी 7, थैंक यू, डीए डीए 21, ईए ईए 28, मैथ्स आपको आती है अपॉन में जीरो इनफाइनाइट, 21 बाय 7 3, 14 बाय 14 1, 1 बाय 3 ऊपर जीरो जीरो, अपॉन में जीरो इनफाइनाइट, 21 बाय 7 3, 14 बाय 14 1, 7 बाय 21 1 बाय 3.33, 0 बाय 28 0। अब चुप रहना प्यारे शतानों, अब मेरी शॉर्टकट ट्रिक, अभी थैंक यू नहीं, जब क्रॉस चेक प्रूफ तो थैंक यू देना, मैं मोटिवेट हूंगा प्यारे बेटा, बाकी बच्चे ना टाइम वेस्ट करेंगे, लोअर अपॉन अपर वैल्यू पुट फिर आंसर निकालेंगे, ए का बी का सी का डी का ई का लोअर अपॉन अपर उसकी वैल्यू के आंसर निकालेंगे, भाड़ में जाए हमेशा आंसर ये निकलेंगे, हमेशा आंसर यही निकलेंगे, फर्स्ट इन्फाइनाइट देन थ्री देन वन देन पॉइंट थ्री थ्री देन जीरो, यही निकलेंगे यही निकलेंगे यही निकलेंगे, तेरे पेपर में पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू, तेरे पेपर 555, तेरे पेपर 222, कुछ भी हो निकलेगा यही इन्फाइनाइट 3 1.230। बताता हूं जादू नहीं मैथमेटिकल लॉजिक है, वेट याद करियो, फर्स्ट आंसर इन्फाइनाइट देन 3, मैं भी आपके साथ याद करता हूं, देन 1 देन 0.33 देन 0, क्रॉस चेक तो थैंक यू आएगा, याद कर रहे हैं, फर्स्ट आंसर वुड बी इन्फाइनाइट, सेकंड वुड बी 3 देन 1 देन 0.33 देन 0, बाकी बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोअर अपॉन अपर, फिर एसी की वैल्यू बी की वैल्यू देन कैलकुलेशन, नो निकलना यही है, अब स्क्रीन पे नहीं, पहला स्क्रीन पे नहीं बेटा, पहला इन्फाइनाइट देन 3 देन 1 0.33 0 इन्फाइनाइट 3 1 0.33 0, एक मिनट जी, अब मैं क्रॉस चेक होऊंगा, फिर थैंक यू लूंगा, ये देख मैं वैल्यूज आंसर नहीं मिटा रहा, आंसर नहीं मिटा रहा, निकलना यही है, रुक जाइए, अब आप बताइए कोई वैल्यू सर, 5 हो गया, चल तू बता, चले 10 10 10 10 10, देखिए बताइए ए की वैल्यू जल्दी, ए 40, ए 40, बी बी 30, बी ए 10, सी 20, सी ए 20, डी 10, डीए डीए 30, ईए 40, देख लो जी क्रॉस चेक हो गया, अपॉन में जीरो इन्फाइनाइट, 30 बाय 10 3, 20 बाय 20 1, 1 बाय 3.33 ऊपर जीरो जीरो, यही निकलेगी, आप घर जाके कुछ भी लेना, 0.2 0.2 0.55 निकलने यही है, अब रीजन बताऊंगा, पहले थैंक यू दो, थैंक यू कैश करवा दो, करा दिया, हमेशा यही निकलने वैल्यू बेटा, क्या इन्फाइनाइट 3 1.33 0, यही निकलनी है, रुकिए आप ट्विस्ट करके कैसे आता है, रुक जा पुत्र, ट्विस्ट करके कैसे आएगा, मेरे क्वेश्चंस आपका जवाब, अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं डाउट बची नहीं रहा, नोटिंग बस दो मिनट के बाद होगी, पहली वैल्यू क्या थी, हां जी, उसके बाद 3, उसके बाद 1.33 0, ठीक है जी, अब देखिए ध्यान, अब मैं मेरे ट्विस्टेड क्वेश्चन आपके आंसर आराम से, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईडी
व्हाट इज द वैल्यू ईडी एट मिड ऑफ द ग्राफ? व्हाट इज द, निकालना नहीं, निकलना हमेशा निकलनी यही है ना बेटा, बताया ना हमेशा ये निकलनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईडी एट मिड ऑफ द ग्राफ? वन वन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईडी एट वाई एक्सिस? वाई 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 इनफाइनाइट. मिड में वन, मिड में क्या है दिख रहा है, और वाई पे क्या है इनफाइनाइट, और एक्स पे जीरो. तीन हो गए, मिड में वन, मिड में वन, वाई पे इनफाइनाइट, एक्स पे जीरो. मिड से अबव थ्री, मिड से बिलो पॉइंट थ्री थ्री. ये मिड, ये वाई, ये एक्स, मिड से अबव, मिड से बिलो. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इन द ट्विस्टेड फॉर्म. इफ वी मूव, क्वेश्चन है ये, इफ वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन, इफ वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन द वैल्यू ऑफ ईडी, चुप, लेट मी गिव द फोर ऑप्शंस. इफ वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन द वैल्यू ऑफ ईडी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फ्लक्चुएटिंग. देखिए, अगर हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, वैल्यू ऑफ ईडी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कॉन्स्टेंट या फ्लक्चुएटिंग? डिक्रीजेस. थ्री, फिर वन, पॉइंट थ्री थ्री, जीरो. ठीक है, वाइस वर्सा, अगर हम लोग डाउन टू अप होते हैं इंक्रीज, अप टू डाउन होते हैं डिक्रीज, डाउन टू अप होते हैं इंक्रीज. इसके अलावा कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं हो सकता. किस मेथड में? ज्योमेट्रिक मेथड में. ऊपर से नीचे आते हैं डिक्रीज, नीचे से ऊपर जाते हैं इंक्रीज. रेजिस्टर निकाल लेंगे. ज्योमेट्रिक आपके साथ कोई बैठा ही नहीं है बेटा. ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, नाम लिख लो सारे, कल भी बताए थे. कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है क्योंकि फाइव से ज्यादा प्रपोजर होंगे. जल्दी बेटा लिख लिया सारे नाम, नो इकोनॉमिक्स वाली बात, शाबाश. ग्राफ की शेप कैसी थी? डाउनवर्ड. और कितने में डिवाइड करा? लिख ले पुत्र. नोट, इन दिस मेथड मेरे साथ साथ अ डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व is to be divided into four part ya equal parts? Equal parts. Equal parts. Thank you. Four equal parts. फॉर्मूला क्या लगेगा? लोअर अपॉन अपर, अपर अपॉन लोअर, लोअर अपॉन अपर. लिख लिया ये, शाबाश. लिख लिया बेटा फॉर्मूला. लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट.
डायग्राम बना लो। ड्रॉन जरा वो लिखना, इसका ए का बी का सी का डी का ई का लोअर अपॉन अपर क्या है? वैल्यूज नहीं, सेगमेंट लिखना लिखना, फिर मैच करेंगे। वैल्यूज नहीं, सेगमेंट ए का बी का सी का डी का ई का लोअर अपॉन अपर क्या लिखना जल्दी, हाफ मिनट, डायग्राम को देख लेना। ए का बी का सी का डी का ई का लोअर अपॉन अपर, चित्र देखकर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी बी ए सी सी ए डी डी ए ई ए वैल्यू पुट करेंगे। जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। ए की वैल्यू कितनी सर? आप नहीं, आप मुझे ए ई बताएंगे सर। 12 सर। बी की वैल्यू है सर? 9 बेटा। बी ए 3 बच्चे। सी ई 6 आप डी 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 ई हाँ नर्वस क्यों हो रहा है बेटा? शक्ल डरावनी बन, डरावना नहीं हूं। 3 डी ए ई ए 12 कंप्लीट कर लेंगे। लिख लो बेटा, इन्फिनाइट 3 1.33 0 नोटेड। ये कंक्लूडिंग डायग्राम बना लो। इन्फिनाइट 3 मिड वैल्यू, मिड से नीचे
एक्स एक्सिस पे, शाबाश। टाइम अप। परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मैथमेटिकल फ्लक्स। फ्लक्स इकोनॉमिक्स का नाम है। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप स्टॉप। लास्ट मेथड ऑफ प्राइस सीडी, लास्ट मेथड ऑफ प्राइस सीडी। आप लोगों ने 11th में, सबका ध्यान है, यस, आप लोगों ने 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, ईडी में, ईएस में, ईडी में, ईएस में, डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। 11th में पढ़ा था, ईडी में भी, ईएस में भी, फॉर्मूला डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। बेटा उसकी डेरिवेशन है इसके अंदर, ये जो मैंने भी फॉर्मूला बोला डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, वो डिराइव कैसे हुआ इसके अंदर है। रुक जाएंगे दो मिनट क्योंकि आपने बिना देखे लिखना है। परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मैथमेटिकल फ्लक्स। अटेंटिव, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फर्स्ट फॉर्मूला, डिमांड बड़ी कम हुई परसेंटेज में, सपोज 10% डिमांड परसेंट ऊपर प्राइस परसेंट नीचे। याद रखियो प्राइस द बेस, प्राइस द बेस। मैं अपना कन्फेस करता हूं, मेरे में 12th में था ये, आप में 11th में था ना, 12th में था, माइक्रो मैक्रो। मैं कंफ्यूज हो गया, पता नहीं ईडी था या ईएस था, मैं कंफ्यूज हो गया। अपॉन में प्राइस आएगा, अपॉन में डिमांड आएगा, होया था बेटा। वर्कलोड याद तो है, डिमांड पर्सन प्राइस पर्सन, आप भूल गया, डिमांड प्राइस है, प्राइस डिमांड है, तो वो याद हो गया। प्राइस द बेस, प्राइस द भूलियो मत, प्राइस द, प्राइस द बेस, ऊपर डिमांड, और जब ईएस होगा तो सप्लाई। प्राइस द बेस, प्राइस द, अगर ईडी की बात हो रही है ऊपर डिमांड, सप्लाई की बात ऊपर सप्लाई, डिमांड परसेंट ऊपर प्राइस परसेंट नीचे। ठीक है जी, नोटिंग बना है, अपने आप करेंगे जब बोलूंगा। हमें परसेंटेज निकालना है डिमांड का, परसेंटेज निकालना है प्राइस का। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है अकाउंट्स में, मैथ्स में भी हेल्प करेगा, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100। याद करियो, हेल्प मांगूंगा। ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100 परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100। कितना चेंज है जल्दी बताना यार, 100 से 250 हो गया, कितना चेंज है 150। स्टार्टिंग 100 इंटू 100 परसेंटेज आ गया। कितना चेंज है जल्दी करना, आपसे बिना पूछे मैं चलता नहीं। 1000 से 1800 कितना चेंज है 800। स्टार्टिंग 1000 इंटू 100 0000000 परसेंट। परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड, रुक जाओ पुत्र, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एज पर दिस फॉर्मूला हमें दो परसेंटेज निकालने हैं, पहला परसेंट डिमांड का, दूसरा प्राइस का। डेरिवेशन स्टार्ट नाउ, परसेंट डिमांड का, परसेंट प्राइस का, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100 डिमांड परसेंटेज, मैं जानबूझ के गलती लिखूंगा, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100 डिमांड परसेंटेज, प्राइस का निकालते हैं, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100 प्राइस परसेंटेज, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100 डिमांड परसेंटेज, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100 प्राइस परसेंटेज, 100 से 100 कैंसल, 100 से 100 कैंसल, हमें मैथ आती है, नीचे फ्रैक्शन ऊपर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस नीचे, स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस नीचे, अब हम इसको बदलेंगे सिंबल में, चेंज डेल्टा डिमांड क्यू स्मॉल, चेंज डेल्टा डिमांड क्यू स्मॉल, स्टार्टिंग डिमांड क्यू, स्टार्टिंग प्राइस पी, चेंज डेल्टा प्राइस पी, चेंज डेल्टा डिमांड क्यू, स्टार्टिंग डिमांड क्यू, स्टार्टिंग प्राइस पी, चेंज डेल्टा प्राइस पी, डेल्टा क्यू क्यू पी डेल्टा पी, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, बेटा ये फॉर्मूला भी ठीक है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ये भी ठीक है, एक और बन सकता है, डेल्टा पी इधर क्यू इधर, डेल्टा पी इधर क्यू इधर, डेल्टा पी इधर क्यू दैट साइड, डेल्टा क्यू डेल्टा पी पी बाय क्यू, डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू, एक सर आपने इंटरचेंज क्यों करा, ताकि डेल्टा डेल्टा एक तरफ हो जाए, पी क्यू एक तरफ हो जाए, सिमिट्री बन जाए, पहले वाला भी ठीक था, ये भी ठीक है, सर आपने ये अदला बदली क्यों करी है, ताकि डेल्टा डेल्टा एक तरफ हो जाए, पी क्यू एक तरफ, सिमिट्री बन जाए, एक बात बताना फटाफट, मैथ में सिमिट्री बनाते तो एक्स एक तरफ वाई एक तरफ, बोल, और मैथ में सिमिट्री नहीं बनाते, एबीसी एक तरफ डिजिट डिजिट एक तरफ, बोल, तो मैंने भी सिमिट्री बनाई है, डेल्टा डेल्टा एक तरफ पी क्यू पी क्यू एक तरफ, डेल्टा डेल्टा एक तरफ पी क्यू एक तरफ, अच्छा फिर एक कॉमन सेंस की बात है, 5 × 4 4 × 5 आन 20 है, 4 × 5 5 × 4 आना क्या है 20, तो डेल्टा पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर, क्यू से डेल्टा पी से मल्टीप्लाई, आना वही है, अभी नहीं, मना कर रखा है, इकोनॉमिक्स का नाम आपकी टर्म, इकोनॉमिक्स का नाम फ्लक्स, ऊपर किसका परसेंट लिखूं, डिमांड का प्राइस का, सचिन सर की बात याद है, प्राइस द बेस, प्राइस द बेस, अच्छा एक बात और सुनना प्यारे बेटा, जहां जहां मैंने डिमांड लिख, सुनना जी, सप्लाई की बात बता दूं, जहां जहां मैंने डिमांड लिखा है, सप्लाई लिख देगी तो डेरिवेशन होगी ईएस की, किसकी होगी, अभी पूरी डेरिवेशन में जहां जहां पे डिमांड लिखा है सप्लाई से रिप्लेस कर लोगे तो कंप्लीट डेरिवेशन इज ऑफ ईएस,
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. ओके, डिमांड लिखोगे तो ईडी, डिमांड लिखोगे तो ईडी, सप्लाई लिखोगे तो ईएस. सप्लाई चैप्टर में पूछूंगा, करवाऊंगा नहीं, अभी हो गया, डिमांड भी सप्लाई भी. अच्छा, ऊपर किसका परसेंटेज, डिमांड का, प्राइस का, और अपॉन में प्राइस, प्राइस द बेस, प्राइस द बेस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कॉपी करेंगे, इतना इतना जल्दी, अदर नेम्स, और ये फर्स्ट स्टेप, प्लीज साथ साथ चलना. डन. जरा मुझे परसेंटेज का फॉर्मूला बता देंगे, जल्दी, परसेंटेज का फॉर्मूला भूल गया, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100, लिख ले, लिख ले बेटा, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100, ब्रैकेट में लिखियो, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ब्रैकेट में लिखियो, डेरिवेशन का पार्ट नहीं है बेटा, वो तो परसेंटेज कैसे निकलता वो है, डेरिवेशन का पार्ट थोड़ा है. ब्रैकेट में लिख या साइड में लिख, लिख लिया. लिख लो, चेंज इन डिमांड, स्टार्टिंग डिमांड इनटू 100, प्राइस की बारी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस इनटू 100. स्टेप टू नोट कर लेंगे, चेंज स्टार्टिंग 100, चेंज स्टार्टिंग 100, स्टेप टू. आपकी नोटबुक आए, स्टेप थ्री बातें नहीं बेटा, स्टेप थ्री, चेंज इन डिमांड, स्टार्टिंग डिमांड, नीचे फ्रैक्शन ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल, स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस नीचे, स्टेप थ्री. चलिए जी, सब बच्चे गाइड करेंगे. चेंज का सिंबल, मैं वेट कर रहा हूं, चेंज का सिंबल डेल्टा, डिमांड का क्यू, स्टार्टिंग डिमांड क्यू, स्टार्टिंग प्राइस पी, चेंज डेल्टा, प्राइस पी. रुक जाइए, नोटिंग के लिए नहीं बोला बेटा, चेंज का सिंबल डेल्टा, डिमांड का क्यू, स्टार्टिंग डिमांड क्यू, स्टार्टिंग प्राइस पी, चेंज डेल्टा, प्राइस पी.
लिख लेंगे बेटा, और मैं अब डांट लगा रहा हूं, लिख लो आप। यस सर। नहीं सर, देखो बात सुनो, जब आपने फॉर्मूले में डिमांड और प्राइस लिखा, इसका मतलब क्वांटिटी डिमांडेड हो गया। ओके डियर, जब आप डिमांड के साथ नीचे प्राइस लिख रहे हैं, इट मींस क्वांटिटी डिमांडेड फॉर यू। अच्छा अब चलो डांट ले लो बेटा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पूछेंगे, पूछा किसी ने नहीं। सर आपने करवा तो दिया डेरिवेशन, ये जो सब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन क्या सब्जेक्टिव आएगा? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आता है, कोई एक सेगमेंट गिवन होगा, एक स्टेप गिवन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। भाई हमारे इकोनॉमिक्स का पेपर तो ऑब्जेक्टिव है, आपने जो करवाया डेरिवेशन तो सब्जेक्टिव लग रही है। हमारा इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा मेरे प्यारे छतानो? इसमें से कोई एक स्टेप होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। देखना, पूछा नहीं? ये देख बेटा, मे बी ये देखिए सर, स्टेप वन, इट कुड बी परसेंट चेंज इन डैश डैश डैश, परसेंट चेंज इन, ऊपर क्या आएगा? डिमांड नहीं होए, क्वांटिटी डिमांडेड, और नीचे प्राइस, इट कुड बी। ए बी सी डी, ए में क्या आएगा? बी में बेटा डिमांड, क्या हो गया? चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड, स्टार्टिंग डिमांड, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस। ए बी में डिमांड आएगा, सी डी में प्राइस आएगा। चेंज इन डिमांड अपॉन, बोल दो बेटा, चेंज इन डिमांड, स्टार्टिंग डिमांड, स्टार्टिंग प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, स्टार्टिंग डिमांड, स्टार्टिंग प्राइस, चेंज इन प्राइस। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा क्यू क्यू, पी अपॉन डेल्टा बी, डेल्टा क्यू क्यू पी डेल्टा पी। दस मिनट रोड, आज जल्दी वाइंड अप हो जाएगा, आज का टारगेट पूरा हो गया। ये हमारे चार मेथड्स पूरे हो गए प्राइस ईडी के, किसके बेटा? प्राइस ईडी के। बस दस मिनट और प्रसारण करूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा। अच्छा देखो बेटा, तो चलिए दो मिनट का टेस्ट लेते हैं, ये जो चार मेथड्स करें, फिर आज का कंक्लूजन करते हैं, फिर घर भेजते हैं। स्टार्ट। सचिन सर ने आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज टिप्स पे करवाने कोशिश करी, प्राइस ईडी के चार मेथड्स। Q1 Q1 वाला कौन सा था? मेरे को आंसर मेरी लैंग्वेज में, Q1 Q1 वाला कौन सा था? आर्क, आर्क, डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट ईडी वन। ये ट्रिक किसकी थी? एक्सपेंडिचर मेथड की। भाई देखो मुझे फेल मत करना, Q1 Q1 वाला कौन सा था? आर्क, मिड पॉइंट एवरेज, आर्क मिड पॉइंट एवरेज। और वो जो ट्रिक बताई थी डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट, वो किसकी थी? एक्सपेंडिचर आउटले स्पेंडिंग रेवन्यू मार्शल, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड में शेप कैसी थी? डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। कितने में डिवाइड करते रहे? फोर इक्वल पार्ट। डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन,
और कितने में डिवाइड कर फोर इक्वल पार्ट। फॉर्मूला क्या था? लोअर अपॉन अपर, अपर अपॉन लोअर, लोअर अपॉन अपर, लोअर अपॉन अपर, ए पे बी पे सी पे डी पर ई पे लोअर अपॉन अपर। अच्छा, हमेशा वैल्यू सेम निकलती थी, फर्स्ट वैल्यू वुड बी इनफाइनाइट, देन थ्री, देन वन, पॉइंट टू थ्री जीरो। याद अब उत्तर, फर्स्ट वैल्यू वुड बी इनफाइनाइट, देन थ्री, देन वन, पॉइंट थ्री थ्री जीरो जीरो। ओके, नेक्स्ट, ये जो डेरिवेशन करी थी कौन सा था? अभी अभी जेड़ा करा, जिसमें पांच की जगह दस मिनट लगाए, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मैथमेटिकल फ्लक्स, परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मैथमेटिकल फ्लक्स। अच्छा, ऊपर मैं किसका परसेंटेज लिखूंगा? डिमांड का, डिमांड प्राइस द बेस, क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज, प्राइस परसेंटेज, और परसेंटेज का फॉर्मूला जो हमें मैथ्स में स्टैट्स में इको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, परसेंटेज का फॉर्मूला चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100। अच्छा एक बात तो सुन, अगर तेरे पेपर में लिखा हो, पहले सुन फिर लिख लियो, लिखा हो इनिशियल, इनिशियल स्टार्ट, एक एक मिनट उत्तर मुझे सारे नेम्स बताने दे, स्टार्टिंग इनिशियल ओरिजिनल एक ही बात है, याद कर, स्टार्टिंग क्या, इनिशियल ओरिजिनल एक ही बात है भाई। गुलाटी ने स्टार्टिंग से करवाया, वहां पे ओरिजिनल तो घबराई हो मत, याद कर ले, स्टार्टिंग क्या, ओरिजिनल इनिशियल, सबसे टॉप पे आओ, पेज के टॉप पे आओ, छत पे आओ, इसको छत बोलते हैं, पे अबे वहीं पे आ भाई, उसी में, वहीं पे, उसी में, पेज के टॉप पे आओ, आगे बेटा लिख, इनिशियल ऑब्लिक स्टार्टिंग ऑब्लिक ओरिजिनल, पेज के टॉप पे आ गए बेटा, लिख ले, स्टार्टिंग ऑब्लिक इनिशियल ऑब्लिक ओरिजिनल एक ही बात है, बॉक्स में कवर कर ले, बॉक्स में कवर कर ले। चलिए जी, टेस्ट हो गया, अब आज का कंक्लूडिंग पार्ट, व्हाइट बोर्ड पे ध्यान, एक सचिन सर ने बताया प्राइस, मुंह बंद, एक बताया इनकम क्रॉस एडवर्टीजमेंट, प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एड ईडी, और अगर सिर्फ ईडी लिखाओ प्राइस ईडी मानते हैं, कल बताया था, सिर्फ ईडी लिखाओ प्राइस ईडी मानते हैं। देखिए बेटा, अटेंटिव, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये प्राइस ईडी का फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंट चेंज इन प्राइस, प्राइस ईडी का फॉर्मूला है। अब ये देख, इनकम ईडी बता नहीं रहा, अटेंटिव रहना, प्राइस ईडी किसका, प्राइस ईडी, इनकम ईडी एड पे खर्चा, एड ईडी, ओके। अब ये देख, क्रॉस ईडी क्या होता है, क्रॉस ईडी का फॉर्मूला, ये एक्स की और ये वाई की, डिमांड किसी और की, प्राइस किसी और का, एक्स क्या है वाई क्या है, पांच मिनट, एक्स क्या है वाई क्या है, चुप रहना बेटा, एक्स क्या है वाई क्या है। चलो जी, वो जो 20 बातें बतानी है ना, थर्ड बात सुन ले, जैसे 11th में 12th में एनसीईआरटी के बाहर पेपर नहीं आता, 11th में 12th के एनसीईआरटी के बाहर पेपर आता है तो पेपर कैंसल्ड होता है या आपको रिलैक्सेशन मार्क्स मिलते हैं। एक दो बार क्या हुआ था, तो तीन बार पेपर बना दे दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर ने, पेपर बना दिया दिल्ली आईआईटी के प्रोफेसर ने मैथ्स का, एनसीआरटी साइड में, आरडी शर्मा आरएस साइड में, मैं अपने दिमाग से बनाऊंगा। जब केस गया हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट ने बोला आपने एनसीआर टच नहीं करी है, तो जिन जिन बच्चों ने 6 मार्क्स अटेम्प्ट भी करा है, पूरे मार्क्स आपकी गलती है, शाबाश।
जिसने अटेम्प्ट भी करा ना छह नंबर पूरे छह नंबर सिक्स मार्क्स वाले में, गलती प्रोफेसर आपकी है, एनसीईआरटी को साइड में क्यों नहीं रखा, हाथ में क्यों नहीं रखा, तीन बार हो चुका है। तो जैसे इलेवंथ में ट्वेल्थ में एनसीईआरटी पे हम लोग रिलाई करते हैं, अब सुनो हम सीए में क्या करेंगे, जो तुम्हारे आईसीआई की मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस हैं उसको नहीं छोड़ेंगे। इको है, अकाउंट्स है, लॉ है, मैथ्स है, हाथ जोड़ के विनती है, आईसीआई के बुक के जो पीछे क्वेश्चंस हैं, जो मेरी बुक के पीछे भी क्वेश्चन था वहीं से कॉपी करेंगे थोड़े बहुत। मेरी बुक के पीछे क्वेश्चन है 100, तो पहले 40 तो वो कॉपी करें, 60 मेरे अपने हैं। सुनना, इको है, अकाउंट्स है, लॉ मैथ्स है, जो आईसीआई की मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस है वो करेंगे नंबर वन। नंबर टू आईसीआई एंड में दो मॉक टेस्ट करवाता है, आईसीआई एंड में दो मॉक टेस्ट करवाता है वो करेंगे। नंबर तीन हमारे सचिन सर के क्वेश्चंस करेंगे, बस उसके अलावा करने की कोई जरूरत नहीं है, एनफ है। आईसीआई की बुक के क्वेश्चंस, टू मॉक टेस्ट जो एंड में करवाएगा, देन सचिन सर की बुक के क्वेश्चन नंबर तीन पे है। नंबर वन आईसीआई की बुक, नंबर टू मॉक टेस्ट, नंबर तीन सचिन सर की बुक, ये तीन कर लेंगे। उसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग किसी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक खरीदेंगे, मुझे अकाउंट्स का नहीं पता, मैथ्स का नहीं पता, लॉ का नहीं पता, इको वाले ने बता दिया, कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की स्कैनर वगैरह नहीं खरीदेंगे, एनएफ है, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। अगर नहीं विश्वास, मैं अपने आप को ऐसे क्रॉस चेक करवाता रहता हूं, अगर आपको विश्वास नहीं है, अभी 19th को संडे को पेपर है इकोनॉमिक्स का, अभी 19th दिसंबर को पेपर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना, तो वो पेपर देखना, फिर वही आईसी की बुक, मॉक टेस्ट और गुलाटी की बुक, अगर एक भी भारो बता दियो, यस। अगर सचिन सर को क्रॉस चेक करना बताता रहा हूं, अभी 19 दिसंबर को जो पेपर है वो पेपर देख लेना, आईसी की बुक देख लियो, फिर मॉक टेस्ट देख लियो, गुलाटी की बुक, एक भी भार हो जाए बता दी, 100 में से उसी में से ही होगा। हां 20 का 30 लिखा होगा, डिजिट्स कुड बी चेंज्ड, कॉन्सेप्ट वही होगा, ध्यान रखना उसके भार नहीं आता। किसका फॉर्मूला है? हां जी, प्राइसिडी इनकम ईडी, एड ईडी, क्रॉस ईडी। किसका बेटा? डिमांड एक्स की, डिमांड प्राइस वाई का, अभी एक्स एंड वाई बताऊंगा। सर आपको बीच में कहां से, जब भी मेरे को कोई बात याद आएगी इंटररिलेटेड, सर आप बीच बीच में आप वहां पहुंच गए, आईसीआई का इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए पूछा था, जो तुम्हारे आईसीआई की बुक के पीछे क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, ये क्वेश्चन भरे पड़े हैं, इसलिए मुझे याद आई बात। आईसीआई की बुक के पीछे क्वेश्चन मॉक टेस्ट जो दो है, एक अक्टूबर सीरीज का, नवंबर सीरीज का, आप लोग उठा के देख लेना, प्राइस ईडी, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एड ईडी भरे पड़े न्यूमेरिकल। अटेंटिव, चेंज इन क्वांटिटी, मूव ऑन द चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी। थैंक यू, सब अटेंटिव है। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी, प्राइस ईडी अभी डिराइव भी करा था। अब देख जादू, प्राइस की जगह पे इनकम, प्राइस की जगह पे इनकम, इनकम ईडी किसका हो गया? ये देख बेटा, पता नहीं क्यों टीचर रट्टा लगवाते हैं, प्राइस की जगह पे इनकम, प्राइस की जगह पे इनकम, इनकम ईडी किसका हो गया? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम, स्टार्टिंग क्वांटिटी। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और क्लियर हो जाएगा, अभी मैं सिर्फ फॉर्मूले याद करवा रहा हूं, एप्लीकेशन नहीं, फॉर्मूले, इट्स अ रिक्वेस्ट, स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं।
चेंज चेंज स्टार्टिंग स्टार्टिंग किसका है? हैं जी Primary. हम लोग फटाफट रोल चेंज कर रहे हैं, तुम सचिन सर, मैं स्टूडेंट बन जाता हूं, किसका ये प्राइस ईडी है? पुत्र इनकम ईडी, चेंज चेंज स्टार्टिंग स्टार्टिंग रुक जा, एक्स वाई वाई एक्स एक्स वाई वाई एक्स। अच्छा सचिन सर की एक बात प्रूव भी हो रही है, एक्स एक्स क्रॉस बन रहा है, मेरे को जवाब मेरी भाषा में, एक्स एक्स क्रॉस बन रहा है, वाई वाई क्रॉस बन रहा है, एक्स एक्स क्रॉस वाई वाई क्रॉस क्रॉस ईडी। एडवर्टाइजमेंट ईडी, वन मिनट छुट्टी, नोट करें नेक्स्ट क्लास में, कौन है ये? हां जी प्राइस ईडी, इनकम ईडी, रुक जा रट्टा लगाया तूने, प्राइस इनकम एडवर्टीजमेंट, रुक जा क्रॉस क्या दोबारा नहीं आ सकता, क्रॉस ईडी, प्राइस क्रॉस एक्स 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 वाई वाई क्रॉस है जी, इनकम ईडी, इनकम ईडी प्राइस एड ईडी, ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिप्लाई देंगे, जो चार मेथड करवाए आज का लास्ट आपके तरफ से रिप्लाई, चार मेथड करें, Q1 वाला Q1 वाला और डायरेक्ट लेस वाला एक्सपेंडिचर, ज्योमेट्रिक मेथड, डेरिवेशन वाला परसेंटेज, और ये फॉर्मूले करवाए, प्राइस इनकम, प्राइस इनकम क्रॉस एड, टिप्स पे हो गए, ऑनेस्ट रिप्लाई, टिप्स पे हो गए, नोटिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में, आज की सभा समाप्त होती है, बाय बाय गुड नाइट, बाय बेटा गुड नाइट, टेक केयर।